सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो दिन जापान दौरा, टोक्यो च 24 नूं क्वाड शिखर सम्मेलन च शामिल होंगे पीएम मोदी। मंकी पॉक्स नूं लैके बाइडन ने दिता वड्डा बयान, कहा मंकी पॉक्स नूं लैके लोकां नूं चिंतित होण दी लोड़ है, कहा जे लाग फैलदी है ते इस दे नतीजे भुगतने पैणगे। भारत सरकार नूं लग्या वड्डा झटका, डोमिनिका सरकार ने मेहुल चौकसी खिलाफ गैर कानूनी ढंग नाल देश च दाखिल होण दे दोष रद्द कीते। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते शाम दो दिन दौरे ते जापान रवाना हो गए, जिथे वह टोक्यो विच क्वाड शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैणगे। एक बयान विच श्री मोदी ने कहा कि क्वाड सम्मेलन चार मैंबर देशां दे नेतावां नूं क्वाड दे उपरालियां दी प्रगति दी समीक्षा दा मौका प्रदान करेगा। टोक्यो विच 24 मई नूं होण वाले क्वाड शिखर सम्मेलन विच भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इलावा अमरीका दे राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान दे प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अते आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बिंस शामिल होंगे। अमरीका दे राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि यूरोप अते अमरीका विच हाल ही विच सामने आए मंकीपॉक्स मामलों नूं लैके चिंतित होण दी लोड़ है। इस बीमारी ते पहली बार जनतक तौर ते टिप्पणी करदिआं बाइडन ने कहा कि चिंता दी गल इह है कि जे इह लाग फैलदी है तां इस दे नतीजे भुगतने होणगे। बाइडन दक्षणी कोरिया दे ओसान हवाई अड्डे ते पत्रकारां वल्लों इस बीमारी बारे पुछे गए सवाल दा जवाब दे रहे सन। पीएनबी बैंक घोटाले के मुलजम हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी नूं राहत दिंदे हुए डोमिनिका सरकार ने पिछले साल मई विच एंटीगुआ ते बारबुडा तो उसके गैर कानूनी दाखले नाल संबंधित सारे दोष खारिज कर दिते ने। चौकसी नूं पिछले साल मई विच एंटीगुआ ते बारबुडा तो लापता होने तो बाद डोमिनिका देश विच हिरासत विच लिया गया सी, जिथे उसने पंजाब नैशनल बैंक विच 13,500 करोड़ रुपए के घपले के दोषों तो बचने लई कथित तौर ते भारत तो फरार होने तो पहला नागरिकता लै ली सी। सूबे के किसानों की तकदीर बदलन का तहैया करदियां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खेतीबाड़ी नूं आर्थिक तौर उत्ते टिकाऊ ते मुनाफे वाला किता बनाने की अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहराई है। टैगोर थिएटर विच करवाए एक समागम दौरान आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ते तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की हाजिरी विच भगवंत मान ने किसान अंदोलन विच जान गवाउण वाले किसानां ते गलवान घाटी के शहीदां नूं दिल दीआं गहराईआं तो श्रद्धांजलि भेंट की। जिक्रयोग है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पंजाब ते दिल्ली के मुख्यमंत्रियों नाल इस समागम विच उचेचे तौर ते किसान संघर्ष दौरान जान गवाउण वाले पीड़ित परिवारां ते गलवान घाटी के शहीदां दे परिवारां नूं तेलंगाना दे लोकां वल्लों तय दिलों सत्कार भेंट करदिआं प्रति परिवार क्रमवार 3 लाख ते 10 लाख की वित्तीय सहायता भेंट की। इस श्रद्धांजलि ते सन्मान समारोह दे विच शामिल श्री कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव जी, मुख्यमंत्री तेलंगना, आम आदमी पार्टी दे नैशनल कन्वीनर ते मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, दोने राज्यां दे चीफ सैकटरी साहबान, तेलंगना दे मिनिस्टर साहबान, MLA साहबान, MP जिन्हें भी मुख्यमंत्री साहब दे नाल आए ने, मैं सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। बाकी जिन्हें भी परिवार किसानां ते जवानां दे जिहड़े परिवार जिन्होंने अपने प्यारियां नूं खोया, तुसीं इत्थे पहुंचे हो, मैं तुहाडा धन्यवाद करदा।
जिस तरह पहला कहा गया कि यह श्रद्धांजलि समारोह है, कोई खुशी वाली गल नहीं, पर मैं तुहानू सारयां नू पहला सब तो पहला सत श्री अकाल नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सियाने कहिंदे आ खुशियां वंडन ते दुगणियां हो जांदियां ने ते दुख वंडन नाल वो अधे रह जांदे ने। असीं तुहाडे दुख दे विच शामिल हाँ, घाटा नहीं पूरा कर सकते, जान की कोई कीमत नहीं होंगी, पर फिर भी परिवार लई बाद दे विच, क्योंकि बहुत सारे कमाऊ जी चले गए उही कमाते सी, तां परिवारां दे जिहड़े चुल्हे ने उन्हां दी अग बुझ जांदी। असी थोड़ी जी पंजाब सरकार वल्लों तां कीते ही है, तां मुख्यमंत्री तेलंगना ने अनाउंसमेंट कीती सी जिस वेले किसानी संघर्ष चल रहा सी, टकैत साहब बैठे ने, इतिहास का सब तो लंबा चलने वाला संघर्ष है, उत्थे गर्मी भी चली, उत्थे मीह नेरी तूफान ठंड धुंद हर एक मौसम चलिया, पर धरती पुत्र ने अपनिया हक्की मंगा जड़िया उन्हों का संघर्ष छड़िया नहीं, ते जिहड़े कानून सी उन्होंने वापस करवा के ही उन्होंने सह लिया। 543 पंजाब के किसान मिला के 712 हरियाणे के, 4 परिवार गलवान घाटी के जिहड़े शहीद होए ने साडे जवान उन्होंने ने, ते अज उन्होंने असीं याद करते हैं। उन्होंने नाम जिहड़ा वो इतिहास लिखा गया कि जिस वेले बहुत वड्डा संघर्ष चलिया सी तां उन्होंने इस संघर्ष के दौरान शहीदियां पाईयां सी। सो 3 लाख रुपया पर फैमिली जिन्हां ने किसान संघर्ष के विच शहीदियां पाईयां ने उन्हां नू, ते 10 लाख रुपया गलवान घाटी के योध्यां नू जिन्होंने देश की आजादी नू कायम रखने लई अपनियां जानां दित्तियां। आजादी लैण वास्ते भी 90% कुरबानियां पंजाब दियां, ते आजादी नू कायम रखने लिए भी अज साडे जवान जिहड़े ने वो सीना तान के खड़े ने। जिस वेले आपां एसी ला के सुते पए हुंने आ, ओहो गंगानगर दे जैसलमेर दे 65 डिग्री सैलसीयस गर्मी दे विच वह अपनी रक्षा कर रहे हुंदे ने, जिस वेले सर्दियां च आपां हीटर ला के पए हुंने आ, ओहो कारगिल दे विच ओ बर्फां पहाड़ां दे विच -20 डिग्री 25 डिग्री टैंपरेचर दे विच अपनी राखी कर रहे होंगे ने। सो उन्हां दी कुरबानी का कोई मुल नहीं दुनिया की किसी करंसी च। इस दे नाल ही समा हो चलिया एक ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद खबरां दा सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है। प्रेस क्लब ऑफ अमृतसर वालों अमृतसर जिले च चुने गए विधायकों नाल मीडिया मीट का आयोजन किया गया, जिस विच कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह गीटीओ विधायक डॉ अजय गुप्ता इंद्रबीर सिंह निजर दलबीर सिंह टोंग मौजूद रहे। इस मौके हरभजन सिंह गीटीओ ने मीडिया वालों निभाई जा रही भूमिका की शलाघा की। इस मौके उन्होंने कहा कि अमृतसर प्रेस क्लब नूं देश का बेहतरीन प्रेस क्लब बनाया जाएगा। अज बड़ा सुभागा देना कि असी अमृतसर प्रेस क्लब के अपने साथियों के नाल बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रेस का रोल बहुत ज़्यादा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। किसी भी देश की देश नूं अगे लजाण दे विच डायरेक्शन देण दे विच प्रेस ने जो इनपुट देनी होंदी है गौरमेंट नूं, ते गौरमेंट की जो इनपुट प्रेस लोगों तक पहुँचाउणी होंदी है डिसीजन की
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਨਪੁੱਟ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਫੈਸਲੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਏ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। साल 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਮੌੜ ਸ਼ਿਵਚੰਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਬੰਬ ਕਾਂਡ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ SHO ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸ਼ਿਵਚੰਦ ਦੀ ਹੁਣ DSP ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਪੂਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਕਾ जो कार्यक्रम है वो वहाँ के समाज के लोग बना रहे हैं। हमने एक घोषणा की है कि समाज के जितने महापुरुष हैं उनके विचार प्रसार योजना के अंतर्गत हम इन महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं। महर्षि कश्यप की जयंती मनाई जा रही है। अगले ही महीने में भगत कबीर की जयंती भी रोहतक में मनाई जाएगी। इससे पहले भी हम चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, गुरु रविदास जी की जयंती है, महर्षि वाल्मीकि जयंती है, अथवा सिख गुरुओं के गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल का कार्यक्रम और गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल कार्यक्रम, उससे पहले गुरु नानक देव जी का भी 550 साल जो जयंती का कार्यक्रम वो हमने बड़ी धूमधाम से मनाया था। इसी प्रकार अन्य महापुरुषों की जयंतियाँ जब भी होंगी तब उनको मनाएंगे। देखिए, सरकारों को जनहित में काम सब करने चाहिए। जितना भी हमारे पास साधन है उन साधनों में हम पर्याप्त जनहित के कार्य करते हैं, लेकिन साथ में हमारी पॉलिसी है कि लोगों को जिनकी आमदन कम है, रोज़गार जिनके पास नहीं है, उनको रोज़गार दिलाया जाए, शिक्षा और स्किलिंग के माध्यम से उनको ट्रेंड करके और स्वरोज़गार में वो आगे बढ़ें ताकि उनकी आय बढ़े, अपने परिवारों का गुजारा चले। लेकिन हमारे मित्र जिनका हम नाम ले रहे हैं उन्होंने उसको एक प्रकार से सिट डाउन पॉलिसी में इसको कहता हूँ, वो ऐसा इशारा करते हैं जैसे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठे रहो, मैं आपको फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा। हम फ्री बीज में विश्वास नहीं करते, बल्कि जो प्रधानमंत्री जी की स्टैंड अप पॉलिसी है उसके अनुसार लोगों को रोज़गार दिला करके अपने पैरों पर खड़ा करने की हमारी योजना है और यही समाज को स्वीकृत है। कोई फ्री बीज की पॉलिसी समाज को कम से कम हरियाणा में तो स्वीकृत नहीं है। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 1 ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 115 ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 760,199 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 742,322 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
दिल्ली अमृतसर मुख मार्ग से एक तेज रफ्तार ट्रक चालक ने बाइक सवार नूं टक्कर मार दी, जिस कारण बाइक से सवार स्कूल अध्यापक की मौके से ही मौत हो गई। कथित दोषी ट्रक चालक हादसे तो तुरंत बाद मौके तो फरार हो गया। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस अते थाना ब्यास दी पुलिस ने मौके ते पहुंच के लाशां ते हादसाग्रस्त वाहनां नूं कब्जे च लैके अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दिती है। इस दिनाली खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्नवाद।